सासनी तहसील क्षेत्र के गांव जलालपुर में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से खेत दिवस के मौके पर किसानों और ग्रामीणों के साथ हुई बैठक। आपको बता दें, पूरा मामला सासनी तहसील क्षेत्र के गांव जलालपुर का है, जहां खेत दिवस के अवसर पर कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से किसान लोगों को खेती करने के सही तौर तरीके बताए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आए अधिकारियों द्वारा किसानों से खेती करने के यंत्रों के बारे में जानकारी ली। वहीं प्रतियोगिता में किसानों द्वारा दिए गए सवालों के उत्तरों पर पुरस्कार देकर 100 से अधिक किसानों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कृषकों सेवा केंद्र के सेंटर प्रभारी राहुल चौधरी, उप प्रबंधक एस के सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। आज जो आपकी अध्यक्षता में कृभों की ओर से बैठक आयोजित की गई है ग्राम जलालपुर में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, आज ये बैठक नहीं है, कारण ये बैठक का ये हमारी एक किसान दिवस है, खेत दिवस है। एक हमने यहाँ पे गेहूं की हमने एक प्रदर्शन लगाया था, किसानों को बता देते हैं कि पता चला ये गेहूं की वैरायटी बोली, ये कर लीजिए। ये कृभको किसानों की सहकारी संस्था है और किसानों के बारे में हर बार सोचती है। तो कृभको में एक ये प्रोग्राम ये भी है कि आप किसान को डू एंड बिलीव करिए और विश्वास करिए। तो हम अपना एक प्रदर्शन, इनको गेहूं का एक प्रदर्शन लगाया था, अपने कृषक भारती सेवा केंद्र सासनी से इनको गेहूं का बीज दिया और गेहूं का बीज दे करके एक एकड़ खेत में कृभको ने अपनी प्रैक्टिस लगा के ये खाद का काम कराया है, अपना खेती की सारी प्रैक्टिस बताई है और एक खेत में किसान ने किया है। कंपेरिजन में कम खाद से कम लागत से ज्यादा उत्पादन वाला किनकी काम प्रैक्टिस करके हमने किया, दूसरे किसान ने किया है। तो किसानों को आज खेत दिवस पे हम उसको अंतर को दिखाने के लिए हमने जानकारी बताई, हमने कैसे किया, क्या किया और उस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। इसके साथ ही जुड़ी हुई जो किसान की खेती की समस्या है उन पर चर्चा की है, वो बैठक की बात भी कही जा सकती है जो आपने कहा है खेत दिवस में, वो भी बात कर ली। खेत में एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, ये हमारा उद्देश्य है। ओके सर, ठीक।